गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, आज जो अपन बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो एमीन्स की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में देखते हैं अपन। तो एक जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो है बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन में क्या करते हैं, बेंजोइलेशन जो रहते हैं इसके अंदर अपन ये करेंगे एनिलीन लेंगे और एनिलीन जो लेंगे इसकी रिएक्शन किससे करवा देते हैं, इसकी रिएक्शन अपन करवा देते हैं C6H5 और C डबल बॉन्ड Cl के साथ। इसको बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड बोलेंगे, इसके साथ इसकी रिएक्शन करवा देंगे। तो फिर क्या होगा, और इसको सिर्फ हीट करना है, तो हीट करने से क्या होगा, यहां से H और यहां से Cl, HCl क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा और ये इस पे जाके क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। ठीक है, सिंपली ये होगा यहां से NH, ठीक है, और C डबल बॉन्ड O और C6H5 ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बोलेंगे अपन बेंजोइलेशन। तो बेंजोइलेशन इतना सा करते हैं, बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवानी होती है, ठीक है, और ये बन जाएगा इसमें। दूसरी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो अपन करवा रहे हैं रिएक्शन विद KMnO4। KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाना है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट इसके साथ रिएक्शन करना है। तो साहब ये तो क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज करेगा। इसमें आप लोग जैसे आपने लिया R और CH2 और क्या ले लिया NH2, ठीक है, ये ले लिया। ये कौन सी अमीन है, ये 1 डिग्री अमीन है। एक चलो ये ले लेते हैं R2 और ये NH ले लेते हैं, ठीक है, R2NH ले लेते हैं। और इसका अपन क्या करना है, इसका KMnO4 के साथ रिडक्शन करना है। तो एक बार जैसे यहां पर आप ले लो, यहाँ पे CH ले लो और ये NH2 ये लो, ठीक है, यहां पर अपन करवा रहे हैं। तो देखो क्या होगा, यहां से क्या होगा, यहां से जो रहेगा आप करवाओ इसका KMnO4 के साथ करवाते हैं तो ये ऑक्सीजन जोड़ेगा, जोड़ेगा तो एक हाइड्रोजन यहां से निकालोगे, एक हाइड्रोजन यहां से निकालोगे, एक ऑक्सीजन ये H2O बाहर हो जाएगा, यहां से बनेगा R और CH, फिर डबल बॉन्ड और फिर क्या NH, ये बन जाएगा। बताओ ये इमीन बन जाएगी, ऐसे इसका देखो इसका ऑक्सीडेशन करवाएं KMnO4 के साथ। तो फिर क्या होगा, एक एच यहां से निकालो, एक एच यहां से निकालो और एक ऑक्सीजन निकालो, तो H2O बाहर हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा R2 और क्या बनेगा बताओ C और ट्रिपल बॉन्ड और बताओ क्या NH बन जाएगा। अब फिर इसके बाद क्या करवा दें, इसके बाद वॉटर के साथ रिएक्शन करवा दें, वॉटर के साथ रिएक्शन करवाएं। तो वॉटर के साथ जब रिएक्शन होगी H+ की प्रेजेंस में तो फिर क्या होगा, एसिड की प्रेजेंस में तो इस पे क्या जाएगा O और इस पे जोड़ दोगे H2, इस पे जोड़ दोगे O और इस पे जोड़ दोगे H2, ठीक है, तो क्या बन जाएगा RCHO बन जाएगा, ठीक है, और प्लस में क्या बन जाएगा, प्लस में NH3 बन जाएगा। और ऐसे इस पे करेंगे तो इस पे क्या बन जाएगा बताओ, इससे बन जाएगा R2CO और प्लस में NH3 बन जाएगा। ये क्या बन गया बताओ, ये बन गया एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड बन गया, और ये क्या बन गया बताओ, ये क्या बन गया, ये बन गया कीटोन, ठीक है, ये कीटोन बन गया इस तरीके से। अच्छा अगर आप एक और अमीन लो, जैसे अगर आप ये वाली अमीन लेते हो जिसमें 3 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं और फिर उसकी रिएक्शन करवाओ, तो देखो क्या बनेगा, इसके केस में क्या होगा। तो अगर मैं ये लेता हूं, देखो यहां पर ये R, ये C और ये R और ये R और यहां पर ये NH2 ले लिया और इसकी रिएक्शन करवा देता हूं KMnO4। देखो KMnO4 के साथ करवा सकता हूं या फिर H2SO5 के साथ भी करवा सकता हूं। तो देखो होगा क्या, ये तो इसको चेंज करता है, देखो क्या चेंज आ रहा है दोनों में चेंज आ रहा है। ये तो इसको चेंज करेगा सीधा ही, ये R, ये R और ये NO2 बना देगा, हाइड्रोजन हटा देगा, यहां पे H2O कर देगा बाहर और एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन और जोड़ देगा, टोटल 3 ऑक्सीजन जुड़ रही हैं। देखो एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन मिलके H2O बाहर हो रहा है, ठीक है, H2O बाहर हो गया और क्या हो रहा है, और दो ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन इस पे जाकर जुड़ गई तो NO2 बन जाएगा। और इसमें देखते हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा सिर्फ एक ही ऑक्सीजन जुड़ेगी, यहां से एक ऑक्सीजन निकलेगी और यहां से एक ऑक्सीजन निकलेगी तो ये बनेगा NH और OH, ये बन जाएगा, ठीक है। ये दोनों में फर्क है, बेसिक फर्क समझ में आ रहा होगा तुमको, KMnO4 ये भी ऑक्सीडाइज करता है, ये भी ऑक्सीडाइज करता है,
लेकिन इसमें प्रोडक्ट कुछ ये बनेगा, इसमें प्रोडक्ट कुछ ये बनेगा, ठीक है। तो KNO4 के साथ ऐसे क्या करवा सकते हो, ऑक्सीडेशन करवा सकते हो, ठीक है। ये मैंने बात की KNO4 के साथ। अब दूसरी जो रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं, KNO4 के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो सुनना। दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवानी। नाइट्रस एसिड मतलब क्या होता है, HNO2, इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड के साथ कैसे रिएक्शन होगी, ये वाली है इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देखो यहां पे अगर मैं RnH2 लेता हूं, RnH2 1 डिग्री अमीन लेता हूं, तो 1 डिग्री अमीन जो होता है इसकी रिएक्शन HNO2 के साथ करवाते हो। HNO2 जो होता है ये बनता किससे एक्चुअली में, इसके लिए अपन को लेना पड़ता है NaNO2 प्लस HCl लेना पड़ता है। तो फिर क्या बनता है, इससे ये बनता था यहां पर ROH ये बन जाता है। और प्लस में देखो बाकी मैकेनिज्म से चीजें क्लियर होती हैं। मैं वैसे एक जनरल बता देता हूं आपको हो क्या रहा है यहां पे। यहां पे हो रहा है H2 और एक O, H2O बाहर, ठीक है, और एक O और एक H। देखो यहां से एक H2 और यहां से एक O, H2O बाहर हो रहा है, एक N और एक N, N2 बाहर हो रहा है। तो क्या क्या बाहर हो रहा है, N2 प्लस H2O। देखो N2 एक दो नाइट्रोजन, N2 बाहर हो गया, H2O ये बाहर हो गया, OH बच गया, इसको इस पे जोड़ दिया तो ये अल्कोहल बन गया। इंटरेस्टिंग चीज ये है, एक्सेप्शन ये है यहां पे, ये याद रखना आपको कि अगर R में आपने सपोज CH3 ले लिया, CH3, तो उस केस में क्या होगा, CH3NH2 ले लिया और प्लस HNO2 ले लिया, ठीक है, HNO2 जो बनता है NaNO2 से बनता है और प्लस HCl से बनता है, ठीक है। तो उस केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो उस केस में याद रखना CH3OCH3 ये प्रोडक्ट बनता है, ना कि ROH बनता है, ये याद रखोगे, इसके केस में होता है ऐसा, ठीक है। बाकी अगर CH3 के अलावा C2H5 ले लो, C3H2 ले लो, कुछ भी ले लो, उसके केस में तो ROH बनेगा, एल्कोहल बनेगा 1 डिग्री, लेकिन इसके केस में ईथर बन जाता है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर ईथर बन जाएगा, ठीक है। चलो अब 1 डिग्री एल्कोहल के साथ, 1 डिग्री अमीन के साथ ऐसा हो रहा है, अब 2 डिग्री अमीन पे आ जाओ, 2 डिग्री अमीन पे, तो 2 डिग्री अमीन पे कैसे होगा, देखो ये लो ले रहे हो आप 2 डिग्री अमीन ले लो आपकी बात, तो 2 डिग्री अमीन अपन ले लिया R2NH और प्लस HNO2 ले लिया, तो फिर होगा क्या, HNO2 किससे बनेगा, भाई NaNO2 से बनेगा और प्लस किससे बनेगा, HCl से बनेगा। तो फिर होगा क्या, यहां से देखो यहां से क्या क्या निकलेगा, यहां से एक H निकाल दो, इसमें से एक H निकाल दो, ठीक है, और यहां से एक O निकाल दो, तो HHO मतलब H2O बाहर कर दो और क्या होगा R2N और क्या होगा यहां पर NO, इसमें से NO रह जाएगा सिर्फ, ठीक है। ये 2 डिग्री अमीन के साथ रिएक्शन होगी, ये 2 डिग्री अमीन है, तो 2 डिग्री अमीन के साथ ऐसे रिएक्शन होगी, 2 डिग्री अमीन के साथ NO यहां पर ग्रुप जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। अब सुनो आ रहा हो, अब 3 डिग्री अमीन पे आओ, 3 डिग्री अमीन पे, तो 3 डिग्री मैं सारे रिएक्शन लिख रहा हूं आपके सामने, देखो और क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पे, खूब सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सुनो अगर आप ये लेते हो एनिलीन, लेते हो एनिलीन, तो एनिलीन के साथ क्या बनेगा, देखो मैं ये बताऊं आपको, एनिलीन लिया आपने NH2 और प्लस ने ये ले लिया, यही HNO2 ले लिया, जो किससे मिल रहा है अपन को, NaNO2 से मिल रहा है और प्लस HCl से मिल रहा है। तो मैंने ये तो पहले ही बताया था आपको, तो इसके केस में क्या बनता है, इसके केस में अलग चीज बनती है, यहां पर बनता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ये बनता है यहां पे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड BDC बनता है, ठीक है, ये याद रखना। और अगर मान लो आप ये लेते हो ये वाला यहां पर CH2 और ये NH2, ठीक है, तो उसके केस में क्या बनेगा, वही HNO2 ले रहे हो, तो उसके केस में यहां पर आपको ये मिलेगा, ये मिल जाएगा यहां पे CH2OH, ये मिल जाएगा, ठीक है, देख रहे हो यहां पे, ये 1 डिग्री अमीन है, 1 डिग्री, ये एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक के केस में ये स्टेबल है इसलिए बनता है, और ये एलिफेटिक है तो इसके केस में CH2OH यहां पर एल्कोहल बन गया। अच्छा अगर मान लो मैं आपसे बोलूं ये इसका करवाओ, इसका करवाओ तो क्या बनेगा,
यहाँ पर ये 3 डिग्री अमीन ले रहा हूं मैं, 3 डिग्री अमीन, तो 3 डिग्री मतलब यहाँ पर CH3 लगा देता हूँ, चलो यहाँ पे CH3 लगा देता हूँ। तो अब क्या होगा, अब रिएक्शन करवाए, तो अब रिएक्शन करवाते हैं HNO2 के साथ। तो देखो अब इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ इसमें से NO ग्रुप जाकर के इस पे जुड़ जाएगा और NO ग्रुप इस पे जाके जुड़ेगा और पैरा पोजिशन पे जाके जुड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पैरा जो होगा उससे मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे NO जाके जुड़ जाएगा ये NO, ठीक है, ये बनेगा इसके केस में HNO2 अगर लोगे तो, ठीक है, यहाँ पर ये NaNO2 और प्लस HCl से ये बन रहा है, ठीक है। अब अगर मान लो अगर आपसे बोला जाए कि अगर आप ये लेते हो इसमें 3 डिग्री अमीन ले लो, आपकी बार R3 और N ले लो प्लस HNO2 ले लो, तो इसके केस में क्या होगा, इसके केस में सब रिएक्शन ही नहीं होगी, बस सिर्फ ये आयन जो है वो जुड़ जाएंगे, ये पॉजिटिव आयन है ये नेगेटिव आयन है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे R3NH और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और NO2 पे ही आ जाएगा सिर्फ नेगेटिव चार्ज, ये बन जाएगा, ये 3 डिग्री अमीन के केस में होगा, 3 डिग्री अमीन के केस में ऐसा होगा। ये सारी चीज आपको मैंने बताई, ठीक है, अब ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, ये जितने भी इसमें केस हो सकते हैं वो सारे मैंने आपसे डिस्कस किए, ठीक है, 1 डिग्री अमीन तो 2 डिग्री अमीन तो 3 डिग्री अमीन तो सब एरोमेटिक अमीन तो एलिफेटिक अमीन जो भी है सब मैंने आपको बताया, ठीक है। अब आ जाओ इम्पोर्टेंट चीज, इसकी मैकेनिज्म जो है वो सब चीजें जो है एक्सप्लेन कर रखी है मैंने मेरे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वगैरह, ठीक है, उसमें मैंने बता रखा है। आप देखो आगे जो चीज बनाने जा रहा हूं मैं वो है इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसको बोलते हैं फोर्थ रिएक्शन, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। पूरा नाम है हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, पूरा नाम क्या है हॉफमैन और क्या बोलेंगे मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, ये है इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। इसमें मैं आपको बता दूं 1 डिग्री अमीन जो होते हैं वो देते हैं, 1 डिग्री अमीन देते हैं, 1 डिग्री अमीन जो है वो कौन से एलिफेटिक भी देंगे, ठीक है, और कौन देंगे एरोमेटिक भी देंगे, ये भी देंगे, ठीक है, अच्छा और कौन देगा, और तो कोई नहीं देगा जी, 2 डिग्री और 3 डिग्री जो अमीन है वो नहीं देंगे। अब मैं आपसे बोलूं क्या ये देगा CH3 CH और CH3 NO2 ये मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन देगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल देगा, 1 डिग्री है क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे देखें CH3 और CH2 और NH2 ये देगा, हाँ बिल्कुल देगा सर 1 डिग्री है क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, ये वाला देगा क्या CH2 NH2, हाँ सर ये भी देगा 1 डिग्री है क्या प्रॉब्लम है एलिफेटिक, ठीक है, आप बोलोगे सर ये वाला देगा ये वाला, तो हाँ जी ये बिल्कुल देगा ये मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला देगा क्या, ये वाला CH3 और यहाँ पर ले लें NH और यहाँ पर CH3 ले, ये देगा क्या, नहीं देगा, ये 2 डिग्री है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं ये CH3 ये N और इधर भी CH3 और इधर भी CH3 ये देगा क्या, नहीं देगा जी, क्यों नहीं देगा, क्योंकि ये 3 डिग्री है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन से रिलेटेड, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब आ जाओ जी इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज मैं बता रहा हूं आपको, अगर एनिलीन लेते हैं तो मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन कैसे होती है और 1 डिग्री एनिलीन लेते हैं तो मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन कैसे होती है, उस बात को समझ लो, तो उस बात को समझे देखो, अगर एनिलीन लेंगे तो क्या होगा, एनिलीन लो तो क्या होगा, सुनो एनिलीन से मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन कैसे करवाएंगे, एनिलीन से मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन कैसे होगी, तो ये एनिलीन लिया, ये है एनिलीन आपने लिया C6H5 और NH2, ठीक है NH2 ले लिया और यहां पे एक H ले लो, ठीक है, और C6H5 और ये NH और यहां पे एक H ले लो, ठीक है, और इस रिएक्शन करवा दो किसके साथ, इस रिएक्शन करवा दो C(S), ये डबल बॉन्ड S CH2 के साथ करवा दो, जब CH2 के साथ करवाएंगे तो यहां से एक ग्रुप बाहर हो जाएगा, कौन सा ग्रुप बाहर हो जाएगा, ये H2S ग्रुप बाहर हो जाएगा, इसके साथ इसको हीट करेंगे तो एनिलीन कर रहे हैं अपन, एनिलीन के साथ
कौन सी रिएक्शन कर रहे हैं? ये मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन है, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, इसके बारे में बात कर रहे हैं, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। तो सुनो अब क्या होगा, इसको हीट कर दिया, तो हीट करने पर फिर क्या होगा, यहां से बन जाएगा ये C6 और क्या बनेगा C6H5 और ये NH है, फिर उसके बाद क्या होगा, यहां पर C डबल बॉन्ड S होगा, ठीक है, और फिर क्या होगा, फिर NH होगा और फिर क्या होगा, फिर जो होगा C6H5 होगा। अब क्या करेंगे, अब इस रिएक्शन जो है वो HCl के साथ करवाते हैं, कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ, तो प्लस कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ करवाएगी। तो कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ जब आप इस क्रिएशन करवाएंगे ना, तो फिर क्या क्या बनेगा, देखो C6H5 एंड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, ये बनेगा। अब देखो यहां से एक हाइड्रोजन हटाओगे, यहां से, ठीक है, यहां से एक हाइड्रोजन हटाओगे, हाइड्रोजन हटाने से यहां पर क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन हटाने से आप देखो एक बार यहां से ध्यान से देखो, यहां पर क्या है, ये नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन लेके हट जाएगा यहां से, तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, देखो डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन हट जाएगा यहां से, उसके साथ जुड़ जाएगा ये और एक हाइड्रोजन मिलके क्या बना देंगे, प्लस में बना देंगे क्या, C6H5 और NH3 प्लस और क्या बनेगा, Cl नेगेटिव, ये बन जाएगा, ठीक है। इसकी जो स्मेल होगी, इसकी मस्टर्ड ऑयल लाइक स्मेल होगी, मस्टर्ड ऑयल लाइक स्मेल, ठीक है, ये होगी इसकी ऑयल स्मेल इसकी होगी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसे एनिलीन जो है मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन दिखाएगा। और अगर मैं आपसे बोलूं अगर मैं ही लेता हूं RNH2 लेता हूं, ठीक है, 1° अमीन लेता हूं, तो इस 1° अमीन की रिएक्शन जो है वो आप करवा दोगे किसके साथ, CH2 के साथ करवाओगे, इसमें CH2 लेना पड़ता है। तो जब आप इसके साथ इसकी रिएक्शन करवाओगे तो कैसे होगी, R और ये NH, एक हाइड्रोजन को थोड़ा बाहर रखो आप, ये C डबल बॉन्ड S और ये SH, ठीक है, इसके साथ करवा दोगे और फिर इसकी रिएक्शन वापस करवाओगे किसके साथ, इसकी रिएक्शन HgCl2 के साथ करवाओगे। HgCl2 के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा, देखो R ये N, ये डबल बॉन्ड, ये C डबल बॉन्ड S, बताओ क्या क्या चीज बाहर हो गई, यहां से फिर से हाइड्रोजन बाहर हो गया, ठीक है, और यहां से पूरा SH बाहर हो गया, तो क्या क्या बाहर हुआ, दो हाइड्रोजन ये और दो Cl, तो 2HCl बाहर हो गया, ठीक है, एक HG और एक S मिलके HgS बाहर हो गया। इसकी स्मेल कैसी आएगी, फिर से वही मस्टर्ड ऑयल लाइक स्मेल आएगी। ऐसे 1° अमीन जो है वो कौन सी रिएक्शन देंगे, ये मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, ये भी मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन है और ये भी मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन है, दोनों मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन है। यहाँ पे एक KOH और लेना पड़ता है आपको याद रखना थोड़ा, ठीक है, तो यहाँ पर बस थोड़ा सा फर्क है, एनिलीन के केस में मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन में क्या है कि यहाँ पर KOH और CH2 लेना पड़ता है, कॉन्सेंट्रेट HCl लेना पड़ता है। और जब 1° अमीन की करवाते हैं तो 1° अमीन के केस में आपको क्या लेना पड़ता है, उसके केस में HgCl2 लेना पड़ता है और CH2 लेना पड़ता है, बस यही दोनों में बेसिक फर्क है। चलो इस तरीके से मैंने कुछ रिएक्शन आपको बताई, ठीक है, बाकी की और रिएक्शंस जो है केमिकल प्रॉपर्टीज अमीन्स की वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, आपको ये जो टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग लगा होगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।